बिल्कुल बहुत अच्छे से आगे की तैयारी भी करने वाले हैं जैसे हम एम सी क्यूज भी करेंगे हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम बहुत नॉर्मल जो क्वेश्चन क्वेश्चन question. सारे क्वेश्चन करेंगे मैप वर्क भी करेंगे सब करेंगे हम धीरे धीरे सो टेंशन नहीं लेने का है ना अच्छे से सोशल साइंस पढ़ने का और रॉक करने का चलो स्टार्ट करते हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट वन ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हो क्या समझते हो मैन्यूफैक्चरिंग से क्या समझते हो भाई मैं बताती मैन्यूफैक्चरिंग वॉट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग टफ लग रही है डेफिनेशन मैं समझाती हूँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स चीजों को प्रोड्यूस करना उनको लार्ज क्वांटिटीज में है ना बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में चीजों को गुड्स को प्रोड्यूस करना किससे रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके ठीक है और उस रॉ मटेरियल की मदद से हम और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं देखो यहाँ पे हमारे पास आटा है ठीक है वी हैव आटा वीट फ्लावर समझ लो ठीक है वीट फ्लावर है ये हो गया हमारा क्या दिस इज आर रॉ मटेरियल ठीक है दिस इज अवर रॉ मटेरियल नाउ प्रोसेस करके प्रोसेस करके हमने इस आटे से क्या बना दी ब्रेड बना दी ठीक है या फिर हमने बिस्किट्स बना दी ठीक है तो क्या हुआ हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और उससे हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया ठीक है दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओके तो एक रॉ मटेरियल का यूज़ किया हमने दैट वाज आटा उसकी प्रोसेसिंग हुई उसमें भाई तेल डाला शुगर डाला सब कुछ डाल डूल के भाई सब कुछ बनाया और फिर उसके बाद फाइनली ब्रेड बना दी और बिस्किट बना दी तो रॉ मटेरियल से क्या बना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना बताओ भाई बिस्किट बीस रुपए का मिल रहा है चालीस रुपए का भी मिलता है सौ रुपए का भी मिलता है ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दी है ना तो क्या बना दिया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया या फिर फिनिश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना बना दिया तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड

ठीक है अब यहां पे मैं समझाती हूं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखो तो भैया इसमें ना सेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर तो भैया हमने हमेशा से देखे कि तीन सेक्टर होते हैं ठीक है थ्री होते हैं तो पहला होता है टर्शरी सॉरी पहला होता है एक मिनट प्राइमरी है ना पहला होता है प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शरी है ना तो प्राइमरी में क्या आता है प्राइमरी में हमारे रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन वगैरह होता है सेकेंडरी में आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ठीक है तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भाई रॉ मटेरियल जाता है फिनिश्ड गुड्स बनते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं है ना तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये जो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है ये सेकेंडरी उसमें आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है ठीक है मैन्यूफेक्चरिंग तो इंडस्ट्रीज में आती है भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है क्योंकि ये प्राइमरी मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिला है उनको प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल और मोर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं जैसे कॉटन का फाइबर हो गया हमारा रॉ मटेरियल और उससे कपड़ा बनाना इज वॉट उससे टेक्सटाइल बनाना इज वॉट फिनिश्ड गुड्स है ना टेक्सटाइल्स हमारे फिनिश्ड गुड्स हो गए तो टेक्सटाइल बनाना इज वॉट सेकेंडरी ठीक है तो कॉटन का फाइबर हो गया प्राइमरी एंड टेक्सटाइल वाले हो गए सेकेंडरी ठीक है सो दिस इज होल मैन्युफैक्चरिंग ठीक है अब भाई क्यों जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना क्या जरूरत है भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हर घर जो है कपड़ा बनाता फिरेगा पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब भी छोटे लेवल पे तो काम जो है बटे हुए थे कि कुछ पॉटरी पॉटरी वाले लोग अलग बनाते मॉडर्न टाइम है, 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 है तो हमारा काम भी इजी हो गया यार हमें इजीली चीजें मिल जाती है अवेलेबल हो जाती है ना तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस भाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंस क्या है? तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मदद से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ है ठीक है फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आर कंट्री हमारा एग्रीकल्चर जो है वी नो दैट वी आर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ठीक है है ना तो हमारा एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है ना हमारी कंट्री की बैकबोन है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मदद से हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्न होता जा रहा है ठीक है

बट इतने अब लोग जो है ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं उस पे। ये लोग सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मदद से नई जॉब्स आती है ना जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री खुली ठीक है कोई एक इंडस्ट्री खुली अब उसमें भाई काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए ना लेबर चाहिए तो भाई मान लो सौ लेबर्स की जरूरत है तो सौ लोगों को काम मिलेगा ना है ना तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मदद से सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसलिए जरूरी है ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स इन द इेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोगों के पास में लोगों की पॉकेट में आता है पैसा पैसा आता है तो दे कैन अफोर्ड थिंग्स है ना वो अच्छे से रह सकते हैं तो उनकी पॉवर्टी भी जाती है ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मदद से क्या क्या होता है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और पॉवर्टी भी खत्म होती है सो दीज वर द थ्री पॉइंट्स एंड दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फिर आता है एक और पॉइंट एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स व्हिच हेल्प्स टू ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज देखो कुछ कुछ चीजें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी बनती हैं तो कुछ चीजें कहीं पे बहुत अच्छी बनती होंगी है ना जरूरी तो नहीं है कि हर पूरे हर, हर देश में हर टाइप की आपको चीज मिल जाए नहीं कुछ चीजें हमारे यहाँ की अच्छी हैं तो कुछ चीजें किसी और की आँख की अच्छी तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज बनाते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस थिंग्स विच आर वेरी फेमस इन इंडिया उन चीजों को या फिर हमारे मैन्युफैक्चर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनको हम जब एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री जब उन गुड्स को खरीदेगी तो हमारे पास फॉरेन पैसा आएगा ना फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो दिस इज आल्सो गुड कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है इससे ओके अ कंट्री विथ अ हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बिकम्स प्रॉस्पेरस और जिसका अच्छा खासा लेवल होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का मतलब जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासे लेवल पे होती है तो वो कंट्री प्रॉस्पेरस रहती है, ये देखा गया है, ठीक है? So जो है वो प्रॉस्पेरस रहती है ओके okay, नेक्स्ट ठीक है अब हम एक देखने वाले हैं टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ठीक है सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन ईच अदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं देखते हैं आगे ऑन वन हैंड मेनी इंडस्ट्रीज लाइक शुगर इज द रॉ मटेरियल इन कॉटन टेक्सटाइल मे देखो जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई ठीक है यहां पे देखते हैं हम शुगर इंडस्ट्री है कोई जो शुगर बनाती है ठीक है अब ये तो हो गई भैया हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है और ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गई ठीक है क्योंकि ये क्या बना रही शुगर एक फिनिश प्रोडक्ट है ठीक है तो अब ये किस पर डिपेंडेंट है शुगर इसको क्या चाहिए इसको चाहिए गन्ना ठीक है इसको चाहिए क्या इसको चाहिए शुगर केन को चाहिए गन्ना इसको गन्ना चाहिए ना गन्ना खाया है सब नहीं नहीं? में बताना, ठीक है ओके सो ये हो गया भैया हमारा प्राइमरी सेक्टर का ठीक है और शुगर के हमें कैसे मिलता है एग्रीकल्चर करके मिलता है है ना तो हो गया ना भाई इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना तो इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री में हमें क्या चाहिए हमें चाहिए शुगर केन शुगर केन कैसे के मिलता है एग्रीकल्चर करके मिलता है तो जो इंडस्ट्रीज तो और एग्रीकल्चर होता है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है क्योंकि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में कॉटन रॉ मटेरियल है कॉटन भाई हम कहीं से पैदा तो करते नहीं है हमने जादू किया और कॉटन हो गया नहीं खेती करते ना कॉटन की खेती होती है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आपस में डिपेंडेंट होती हैं ठीक है थीके? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल जो है 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 लगता लगता ही ठीक सो दे आर एग्रीकल्चरियल ऑन ईच अदर ऑन द अदर हैंड मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स इरीगेशन पंप पीवीसी पाइप ट्रैक्टर्स मशीन एंड टूल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल देख रहे हैं अब हम ये भी देखते हैं कि जो हमें हम हम बना रहे हैं ना उनकी मदद से एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं ठीक है हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है जैसे पंप हो गया अब जो इरिगेशन पंप है ये किसी इंडस्ट्री में बने होंगे ना फर्टिलाइजर है किसी इंडस्ट्री में बने होंगे ना पाइप हो गए ट्रैक्टर हो गए मशीन्स हो गई टूल्स हो गए ये इंडस्ट्रीज में बने ना तो इनकी मदद से हम एग्रीकल्चरल

कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का ठीक है नंबर कहीं नहीं जाएंगे फिर भाई आता है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जी डी पी हेज स्टैगनेटेड एंड सेवनटीन परसेंट ओवर द लास्ट टू डेके सेवेंटीन परसेंट शेयर हमारा जीडीपी में जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ठीक है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हम पूरी इंडस्ट्री का देखें तो दैट इज ट्वेंटी सेवन परसेंट जिसमें से दस परसेंट माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है बाकी का 17 is our manufacturing का ठीक है तो ये हो गया हमारे कुछ डाटा द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द ग्रोथ है वो कैसी रही है लास्ट डिगेट में सेवन परसेंट रही है और दो हजार तीन में जो ग्रोथ रेट थी वो नाइन से दस परसेंट होती थी तो अभी जो डिजायर मतलब कर रहे हैं कि कितनी ग्रोथ होनी चाहिए तो हम ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ जो है डिजायर कर रहे हैं द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री हाय हाय कितना टफ पॉइंट है मैं समझाती हूँ देखो एक ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाई गई ठीक है इसको सेट अप किया गया इसको बनाया गया है इसको क्यों बनाया गया है क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं अच्छी-अच्छी पॉलिसीज अच्छी लाके है ना हम इंडस्ट्रीज में अच्छे अच्छे एफर्ट्स करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं तो इस काउंसिल को फॉर्म किया गया है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके ठीक है तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना बेटा वो नेशनल ग्रोथ करती ही करती है क्यों करती हैं क्योंकि वो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं और जितने कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतना हमारे देश के लिए भला ही होगा है ना हमारे हम हमारे को क्या मिलता है हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों के पास पैसा रहता है लोगों के पॉवर्टी खत्म

ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके ठीक है तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था ताकि एक क्या एक पॉलिसी पॉलिसी डायलॉग की जा सके और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको उनको ग्रो उनको ग्रो किया जा सके और सस्टेनेबली ग्रो किया जा सके ऐसे ग्रो किया जा सके कि वो ग्रो भी हो और हमारे एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे सस्टेनेबली ग्रो हो ठीक है तो इसलिए इसको लाया गया था ओके भाई इंडस्ट्रियल लोकेशन डेवलपमेंट भाई इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो होती है वो कहाँ होनी चाहिए किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये देखेंगे हम इसमें ठीक है तो भाई वो कहाँ होनी चाहिए इंफ्लुंस्ड बाई गवर्नमेंट पॉलिसीज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लेबर कैपिटल पावर एंड मार्केट फैसिलिटीज इस पूरे पॉइंट में ना सब कुछ लिखा हुआ है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ निकाली हैं जो इंडस्ट्री को फेवर कर रही हैं उनकी मदद कर रही हैं इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है भी उस जगह पे या नहीं मतलब उस पर्टिकुलर अगर मान लो ये लोकेशन है यहाँ पे किसी को इंडस्ट्री खड़ी करनी है ठीक है किसी को इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो अगर तो अगर इस जगह की गवर्नमेंट की पॉलिसी इस क्या है अगर ये इंडस्ट्री के फेवर में होंगी तो यहाँ पे तो इंडस्ट्री लगाना जरूर मतलब फेवरेबल अच्छा है फायदा मिलेगा। अगर यहां पे भाई लेबर अच्छी मिल जाएगी, जो लेबर है वो हमें यहाँ पे मान लो लेबर अच्छी मिल रही है सस्ते में लोग काम कर रहे हैं ठीक है कैपिटल यहाँ पे लगाना इज प्रॉफिटेबल है ना उसके बाद यहाँ पे मार्केट अच्छा हो इस जगह पे ठीक है उसके बाद रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो तो अगर ये सारी चीजें हैं किसी जगह पे तो ये जगह क्या हो जाती है आइडियल बन जाती है इंडस्ट्री को लगाने के लिए ये आइडियल बन जाती है इंडस्ट्री को प्लांट करने के लिए उसको लगाने के लिए ठीक है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो देखो लेबर की सप्लाई कैसी है हम देख रहे हैं ना कि लेबर की सप्लाई कैसी है उस इंडस्ट्री में भाई लेबर इजली आएगी है ना अगर एक बात बताओ इंडस्ट्री लगा दी और लेबर है ही नहीं वहां पे फिर आपको लेबर भाई बहुत दूर से लानी पड़ रही है कोई और जगह से तो भाई वहां से वो लेबर आएगी आपके भरोसे आएगी फिर वहां रहेगी तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज भी करेगी क्योंकि वो अपना गांव दूर आ रहे हैं फिर यहाँ रहना, उनका खाना सब देखना है ना तो दैट विल तो, सप्लाई कैसी है वो इम्पोर्टेंट होता है आसपास का मार्केट है भी कि नहीं भाई मार्केट में उस चीज की डिमांड है भी कि नहीं मार्केट अच्छा है वहां पे आपका प्रोडक्ट इजीली जाएगा कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट मनी भी इंपॉर्टेंट है भाई लैंड वहां पे है कि नहीं रॉ मटेरियल वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा फॉर एग्जांपल आपको मान लो क्या चाहिए आपको फॉर एग्जांपल कॉटन की टेक्सटाइल की वो लगानी है ठीक है अगर आस पास आपको कॉटन ईजिली मिल जाएगी ठीक है तो तो आप वहां लगाओ पर अगर आपको कॉटन बहुत दूर से मंगाना पड़ रहा है ना हजारों किलोमीटर दूर से तो दैट 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 इज 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 नॉट नॉट ना बेटा क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉस्ट करेगा तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है फिर एनर्जी सोर्सेस क्या है है इलेक्ट्रिसिटी की भाई अच्छी सी व्यवस्था है कि नहीं जो भी एनर्जी सोर्सेस रिक्वायर्ड इंडस्ट्री के लिए वो है वहां पे अवेलेबल कि नहीं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए ठीक है बच्चे नेक्स्ट देखो फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन ना जियोग्राफिकल फैक्टर्स fact, भी अफेक्ट करते हैं ठीक है कि उस एरिया का क्लाइमेट सही है कि नहीं ठीक है उसके बाद लैंड है कि नहीं वॉटर है वहां पे कि नहीं है ना एक्सपेंसिव एंड अबंडेंट इन केस ऑफ सम इंडस्ट्रीज लाइक जूट भाई जूट बहुत, बहुत ज्यादा लगता है तो है वहां पानी अवेलेबल है नहीं एनर्जी है या नहीं रॉ मटेरियल है ये सब हम अभी पढ़ ही चुके हैं तो सेम चीज है ना तो आप ऐसे ही पॉइंट्स लिखाओगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आओगे यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर पॉइंट पूरे नंबर में लेंगे आपको ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं अब कुछ है भाई नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स ये हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ठीक है यहाँ पे हमने ऑल इन ऑल फैक्टर्स की बात की कि क्या क्या अफेक्ट करते ये हो गए हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स ठीक है ओके दीज वर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ज्योग्राफी कैसे अफेक्ट करेगी तो लैंड चाहिए भाई हमको क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए रॉ मटेरियल होना चाहिए एनर्जी और पावर होनी चाहिए वाटर होना चाहिए ये हो गए नॉन जोग्राफिकल फैक्टर तो इसमें आ गया भाई लेबर हो गया कैपिटल हो गया मार्केट बाजार हो गया ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हम ऐसे ही नहीं किसी भी गांव में जाके इंडस्ट्री लगा लो आसपास में सड़कें ही नहीं है भैया ट्रांसपोर्ट का कुछ है ही नहीं वहां पे सिस्टम बंदोबस्त है ही नहीं कैसे आप अपने गुड्स को कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करोगे कैसे लेके जाओगे क्योंकि वो आपका एक हेडिक बढ़ जाएगा ना तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अच्छा हो कम्युनिकेशन अच्छा हो आसपास का बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो ये सभी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है फाइनेंशियल एडवाइस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह ठीक है ये सब हो गए हमारे नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ओके अब भाई बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन के बारे में ठीक है ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और अर्बनाइजेशन होना एक दूसरे पे के ऊपर डिपेंड करते हैं कैसे देखो इंडस्ट्रीज जो है ना वो सिटीज के लोकेटेड होती हैं मोस्टली हमने देखा है आसपास इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं क्यों लोकेटेड होती है क्योंकि यहाँ की देखो अर्बनाइजेशन क्या है अर्बन एरिया होना राइट right? रूरल ना होना है ना रूरल कोई एरिया जो है रूरल नहीं है ठीक है अगर वहां पे इंडस्ट्री लग रही है देखो अपना सिंपल सी चीज समझो अगर कोई एरिया अर्बन है तो उसके आसपास इंडस्ट्री लग जाएगी ठीक है क्यों लग जाएगी क्योंकि वहां पे क्या बैंकिंग भाई बैंकिंग की फैसिलिटी होगी ठीक है ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा लेबर आपको मिल जाएगी मार्केट आपको मिलेगा तो इंडस्ट्रीज सिटीज है आसपास तो वहां पे सिटी के आसपास लग जाएगी और उसको ये सारी चीजें मिलेंगी ऐसी अगर इंडस्ट्री लगती है तो उसको इन सब की जरूरत होती है ना किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी इंडस्ट्री को ये सारी चीजों की जरूरत होती है ठीक है ओके इंश्योरेंस बैंकिंग ठीक है तो ये सारी चीजें इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री उसके लोकेशन के लिए तो अगर कोई सिटी है उसके पास ये सारी चीजें हैं तो उसके आसपास इंडस्ट्री लगाना इज फीजिबल हो जाएगा ठीक है तो भाई अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना तो इस सिटी का और डेवलपमेंट होगा और अर्बन होगी ठीक है अगर हम किसी भी एरिया में इंडस्ट्री को लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री विल रिक्वायर इंश्योरेंस और बैंकिंग फैसिलिटी और लेबर तो धीरे धीरे ये जो फैसिलिटीज हैं वो उस एरिया में बढ़ेंगी और अच्छी होंगी तो वो एरिया जो है और अर्बनाइज होगा राइट अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है दैट मीन्स अर्बनाइजेशन भी अच्छा हो रहा है ठीक है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बेनाइजेशन एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं इंडस्ट्रीज जो सिटीज के अराउंड लोकेटेड होती है उनको चाहिए होता है मार्केट ये वा सारी चाहिए होती हैं और इसलिए वो आस पास कोई सिटी ढूंढते हैं कि वो वहां पे लोकेशन उनकी मिल जाए उनको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए ठीक है प्री इंडिपेंडेंस इरा मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी देखो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे मैन्युफैक्चर भैया गुड्स का प्रोडक्शन होता था वो कहाँ लोकेटेड होती थी ऐसी जगह लोकेटेड होती थी जहां से ट्रेड करना इजी हो राइट तो वो सी पोर्ट्स के पास लोकेटेड होती थी ठीक है जैसे मुंबई कोलकाता चेन्नई यहां पे लोकेटेड होती थी मैनी इंडस्ट्रीज टेंड्स कम और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ जाती हैं, ठीक है थीके? साथ में इकट्ठी हो जाती हैं, ताकि कोई एक अर्बन एरिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई एक अर्बन एरिया है तो अब इस अर्बन एरिया को बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मतलब इस अर्बन एरिया का बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा लेना है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आ जाती हैं ताकि वो इस अर्बन एरिया का एडवांटेज ले सके इसके फायदे ले सके और इसको हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज ठीक है agglomeration, agglomeration इसको कहते हैं भाई ओके अब भाई अर्बनाइजेशन क्या है द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज अगर कोई भी टाउन और सिटी में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता ही बढ़ता है क्यों बढ़ता है इंडस्ट्री आई ठीक है इंडस्ट्री आई उसने क्या किया इंडस्ट्री आई उसने मांगी लेबर लेबर आई कुछ गांव से भी आसपास के वो बस गई नहीं टाउन्स में टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है ना तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है एग्लूमेशन इकोनॉमीज अभी हमने देखी थी जब लार्जर अकर द लार्जर मार्केट लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अदर बेनिफिट्स आउटवेट द एडेड एक्सपेंसेस सच रेंट और टैक्सेस ऑफ़ वर्किंग इन मतलब अगर कोई एक एक एरिया है वहां पे ही ये सारी चीजें अवेलेबल है फैसिलिटीज अवेलेबल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका फायदा लेना है तो वो साथ में आ जाती है और वहां पे उसका फायदा लेती है दैट इज एग्लोमेशन इकोनॉमिक ओके नेक्स्ट इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज देखेंगे अब हम एंड मार्केट क्लोजली लिंक देख रहे में ना लिंक है link, मतलब इन दोनों में जो लिंक बनाता है वो फैक्टर कौन कौन से है तो मनी इज नीडेड टू बाई इनपुट फॉर प्रोडक्शन आफ्टर सेलिंग the finished products इन the market,

उसके बाद अगर हमें गुड्स को बेचना है हमारे जो प्रोड्यूस किया हमने वो हमें बेचना है वो भी हम मार्केट में बेचेंगे ठीक है तो उस मार्केट में बेच के हमें पैसा मिलेगा प्रॉफिट में राइट right. तो मार्केट और इंडस्ट्रियलाइजेशन लिंक्ड है ना इंडस्ट्री में हमें कुछ प्रोड्यूस करना तो भी हमें मार्केट में जाके खरीदना और पैसा देना है अगर हमें इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस किया उसको बेचना है तो भी मार्केट में जाना है और पैसा लेना है तो लिंक है ना इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में राइट right? और किसके फॉर्म में मनी के फॉर्म में मनी आप दे के रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और अपना फिनिश्ड दे के मनी ले रहे हो राइट right? तो मनी के फॉर्म में लिंक है इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स इंडस्ट्री तो सबको पता ही है कि भाई इनपुट देखो इनपुट लगता है इंडस्ट्रीज में दो ऐसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं ठीक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना so, क्या हो गए इनपुट्स में आपका भाई रॉ मटेरियल आ गया ठीक है फिर आपका मशीन भी आ गया आपका पैसा भी आ गया ठीक है तो इनपुट मतलब लागत आप इंडस्ट्री में जो भी लागत लगा रहे हो दैट इज इनपुट और इंडस्ट्री से आपको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिला है है ना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आपने जो बनाए हैं ठीक है दैट इज आउटपुट ओके और आपको इस आउटपुट को बेच के जो फायदा हुआ है दैट इज प्रॉफिट ठीक है ओके okay, तो भैया इनपुट्स लगते हैं किसी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है? ओके okay, तो यहां हम देख रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल ठीक है कैपिटल क्या हो गया कैपिटल इज नथिंग बट मनी ठीक है जो भी पैसा वगैरह हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं ठीक है दिस इज व्हाट दिस इज मनी तो लैंड हो गया लेबर हो गया मनी हो गया ये सब क्या है ये सब है फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ये सब इन्वॉल्व होता ही होता है कोई भी हम प्रोडक्शन जब करते हैं ठीक है अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नीडेड टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स अब भाई और क्या चाहिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए क्या चाहिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए अब ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको अच्छे से आ, किसी दूसरी जगह ले जा सकोगे ना तो है ना किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हमें लेके आना तो हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए अगर हमें कोई फिनिश्ड गुड को कहीं लेके जाना मार्केट में तो भी नहीं ट्रांसपोर्ट सो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ताकि भैया अच्छे से हम पहुंच रॉ uh, मेटे से uh, सही सलाम पहुंचा सके फिनिश्ड को फिनिश्ड गुड्स अ वेल डेवलप मार्केट इज रीडेड टू सेल दीज गु फैक्ट्रीज देखो हर फैक्ट्रीज अलग अलग चीजों के लिए सेटअप होती है कुछ कोई और प्रोडक्ट्स प्र, को क्या बना uh, मतलब बनाते हैं कोई कुछ फैक्ट्रीज किसी और प्रोडक्ट्स को फॉर्म करती है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है अब जब प्रोडक्शन हो जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो फिर किस चीज की जरूरत होती है तो फिर होती है मार्केट की जरूरत तो हमने यहाँ क्या देखा हमें लैंड लेबर कैपिटल एंट्रप्रन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स ये सब चाहिए प्रोडक्शन के लिए उसके बाद हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए और फिर हमें अच्छा मार्केट भी चाहिए ठीक है मार्केट क्यों चाहिए अब तुम इतना सारा जो प्रोड्यूस कर लोगे उसको घर में तो रखोगे नहीं उसको कहीं बेचोगे ना तो इसलिए वी नीड मार्केट एंड वेरी वेल अच्छे वाले मार्केट चाहिए ताकि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक सके है ना सो वी नीड वॉट वी नीड वेल डेवलप्ड मार्केट ताकि इन गुड्स को हम बेच सके ठीक है सो दिस वॉज द होल लेक्चर ओके okay, तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप उनको हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो इस आ, आ, किसका इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा फिर उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय बच्चों